रहे हैं ना? हाँ बेटा, रेडी हो गया है। भिंडी का सब्जी और रोटी बनाई हूँ। बेटा मजाक कर रही थी, तुम्हारे लिए अलग से सोयाबीन का सब्जी बनाया है मैंने। माँ मेरे लिए क्या बनाया? मुझे भी तो भिंडी पसंद है। क्यों तेरे लिए बनाऊं? ससुराल भी तो जाना है, वहाँ पे ये सब नहीं मिलेगा। चुपचाप भिंडी खा ले। मुझे भी थोड़ा देखने दो ना, मेरा भी चैनल लगा दो, मुझे भी देखना है। दिन भर तो टीवी देखकर बैठी रहती है, नहीं दूंगा तुझे। सुबह से तो तू ही देख रहा है, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, मैं तो माँ की हेल्प कर रही थी। हेल्प करती तो क्या, हाँ सारा काम करती है क्या? और तू काम नहीं करेगी तो पड़ोसी आके कर देंगे काम, है ना? मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था। चुप, तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ करने का? तुम्हारा पढ़ाई हो गया? तुम्हारा होमवर्क हो गया? ना पापा, मैंने सुबह सुबह उठ के ही होमवर्क कर लिया था। तो क्या सर खरीद लिया क्या? होमवर्क करके कोई पढ़ाई नहीं है क्या? पर पापा अभी तो उसका बात कहाँ से आया? तुम्हारा पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है, दूसरा कोई होता तो नहीं करता, ठीक है? क्यों करा रहे हो पढ़ाई? मत कराओ ना, शादी का उम्र है, कर दो ना शादी। माँ आपने ठीक कहा, इस बार दूधा रहेगी चुड़ैल। मेरी अच्छी बेटी को हमेशा परेशान करती है शैतान। ये ले रहा अभी बेटा 500 रुपए, ये ले रहा अपने बेटा 100 रुपया। पापा 500 रुपए से क्या होगा, दोस्त लोग तो घूमने भी जाते हैं ना। ये ले 500 रुपए, जी ले अपनी जिंदगी। ये कब है? कोई नहीं, चलो। हाय मेरा बेटा कितना समझदार है। हाय पापा, 100 तो स्कूल आने जाने में ही लग जाता है, और 500 नहीं, और एक 100 तो दीजिए ना। तुम तो दिन भर घर में ही रहती हो, इतना पैसा लेके क्या करोगे तुम? मुझे लगता है ना जी, इस पैसे से लिपस्टिक खरीदेगी ये लड़की। जी मुझे लग रहा है ना, किसी के साथ चक्कर चल रहा है इस लड़की का, इसीलिए तो हर समय सचती सवरती रहती है। हाँ माँ, ऐसा कुछ नहीं है, पापा बोलो ना कुछ। इस पैसे से तुमको एक भी पैसा ज्यादा नहीं मिलने वाला, समझे तुम? बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, मैं चाहे ठीक टाइम में आना चाहिए, पर अभी तक क्यों नहीं आया? सॉरी पापा, भूल गई, मैं पढ़ रही थी ना इसलिए, सॉरी। बढ़ियाई पढ़ाई करने वाली। अरे उठाया ही नहीं। हाँ कौन बोल रहा है? आपके बेटे ने मेरे बेटे से 16,000 रुपया लिया था। 16,000 रुपया? हाँ, 1 साल हो गया है, अभी तक लौटाया नहीं। क्या बोल रहे हो? हाँ बच्चा है, सोच के छोड़ दिया। लेकिन सुनिए, आप आपका धंधा ना चौपट करा सकते हैं हम? नहीं नहीं, रखते हम, रखते हैं, आप जल्दी पैसा दे दीजिए। महीने का लास्ट है, कहाँ से लाऊंगा इतना सारा पैसा? अब ऐसे तो ना बोलिए मेरे लल्ला को। तुम्हारा वैसे ही हालत है उसका, मारो मारो। नहीं पापा, नहीं। नहीं पापा, भाई को प्लीज मत मारो। पापा मैं दूंगी आपको 15,000 रुपया, आप बस 1,000 रुपया और दे देना, ठीक है? तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कौन सा है? तुम भी पापा, आप जो पैसा मुझे देते हो ना, वो हम यूज नहीं करते, हम स्कूल से पैदल ही आते हैं, प्रोजेक्ट के लिए लगेगा फोन, इसलिए हम 2 साल से जमा रहे हैं। मम्मी ने कहा है कि खुद के पैसे से फोन खरीदना, इसलिए पापा। कोई नहीं, आप तो देंगे ना। ये देखो रोशनी बेटी, तुम्हारे लिए क्या है? ये क्या है पापा? ये लो तुम्हारा पहला फोन, और भाई से प्रोजेक्ट के लिए नहीं मांगना पड़ेगा। थैंक यू पापा। पापा मेरे लिए
थैंक यू सबको।